और मैं चेयर पे जो चेयर पर्सन है उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारा समय ऑलरेडी बीत चुका है और मुझे जो है बताने के लिए वैसे बहुत कुछ था, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जो उपशीर्षक हैं, मैं उन उपशीर्षकों पर थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे समझा कि इस विषय पर कैसे रखना चाहिए अपना बिंदु, क्योंकि सभी समस्त संस्कृत जानने वाले इतने विद्वानों के सामने मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं एक बहुत छोटी सी यूनिट हूँ, पर फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रेजेंट वट एवर आई कुड अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस टॉपिक। इनफैक्ट वेदास और कोई भी समाज की अगर हम उन्नति के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वहाँ पर जो नारी की स्थिति है, अगर वो पता चल जाता है कि नारी की स्थिति क्या है, उसमें उसके कौन सी ड्यूटीज़ हैं और कौन से अधिकार हैं, अगर इस चीज़ को हम पता लगा लेते हैं तो हमें बहुत कुछ उस समाज के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है कि वहाँ कितनी सेंसिटिविटी है और कितना अफेक्शन होगा और क्या क्या नैतिक मूल्य होंगे, ये सब बातें नारी की स्थिति से पता चल जाती हैं मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। अब यहाँ पर जो है वैदिक मंत्रों के अर्थ को जानने के लिए आचार्य यास्क ने तीन साधन बताए, एक बताया आचार्यों से परंपरा द्वारा सुना हुआ ज्ञान, दूसरा बताया तर्क और तीसरा मनन। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये तीन विधाएं ही मेरे मैं समझती हूँ कि अनिवार्य हैं, कि पहले हम उन्हें विद्वज्जनों से सुने जैसा कि हम अभी कर रहे हैं और फिर उसमें तर्क करें जैसा कि क्वेश्चन पूछने में जो लोगों ने अपना समय लगाया है और प्रश्न पूछा है वो तर्क है, और उसके बाद बोलने वाला भी और सुनने वाला भी मनन करे कि हम जो कह रहे हैं क्या वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इसलिए ये तीनों चीज़ें जो आचार्य यास्क ने बताई मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने और समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में वैदिक वाङ्मय में हम सब जानते हैं, इसको ज़्यादा बताना नहीं है बिकॉज आप सब लोग सभी चीज़ें जानते हैं कि जो मंत्र पढ़ते थे वो लिखते थे वो दृष्टा कहलाते थे, वो ऋषि हैं, और देवता जो हैं वो वर्तमान में जो अर्थ प्रचलित है उससे अलग था। देवता कहीं ना कहीं उस सूक्त का विषय हुआ करता था जिसे कि देवता उस सूक्त का कहा जाता था, और छंद से तात्पर्य उस सांचे या नाप से है जिसमें कि वह मंत्र निर्मित है, और विनियोग का तात्पर्य प्रयोग से है। इसका अर्थ ये है कि उस समय मालूम था ये बात कि जो दृष्टा है जो मंत्र को लिख रहा है और जो मंत्र को बता रहा है उतना ही जरूरी है कि वो अपने विषय से ना भटके। उसका एक देवता है, उस सूक्त का एक देवता है, उसे संबंधित ही बात करना है ताकि वो प्रिसाइज रह सके। और तीसरी बात विनियोग, यानी वो एक ऐसा ज्ञान लिख रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, उस विनियोग का प्रयोग हो सकता है क्या। तो ये जो बातें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नीति निर्धारण करता है, पॉलिसी लिख देता है, फिर उस पॉलिसी में भटक जाता है और फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए ये जो तरीका था, ये जो वेदों में था, ये सभी तरह की अध्ययन पद्धति और अनुसंधान पद्धति में स्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे भान हुआ। इसके बाद वेदों के विषय में संक्षिप्त परिचय है, लेकिन ये सभी वेदों में नारी का स्थान अत्यंत उत्कृष्ट है, गौरवपूर्ण है, पूजनीय है, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में अभी हम देखेंगे तो ऐसा गौरवपूर्ण वर्णन कहीं भी किसी इतिहास में नहीं मिलता है। और ये बात भी अपनी जगह सत्य है कि वैदिक वाङ्मय में पुरुष ऋषि जितनी संख्या में उपलब्ध होते हैं अथवा उनके विषय में वर्णन प्राप्त होता है, वह यह बताने उनके स्त्रियों में नहीं है, स्त्रियों का उतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, जितने ऋषि पुरुष हैं उतनी ऋषिकाएँ वहाँ पर वर्णित नहीं है, ये भी एक बात है। विभिन्न संदर्भों में लेकिन उनकी बड़ी सशक्त भूमिका रही है, और अन्य कलाओं के विषय में भी मैं थोड़ा सा इसको आधुनिक वो उनसे जोड़ने की का प्रयास करूँगी।
सबसे पहली चीज है स्त्रियों की अध्ययन वृत्ति। उस समय भी ऋग्वेद के ब्रह्म देवता में ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं का वर्णन स्पष्ट रूप से है, जिसमें की घोषा, गोधा, विश्ववारा, लोपमुद्रा, रोमशा आदि हैं। इस विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि नारी उस समय अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र थी, और ये स्वतंत्रता केवल शास्त्रार्थ तक सीमित नहीं थी, अपितु तो उसे भी आज की ही शिक्षा व्यवस्था के अनुसार उपाधि भी मिलती थी। जो ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया था, और मंत्रों का साक्षात्कार करना अथवा काव्य रचना वैदिक काल में एक ऐसा कर्म है जो स्वाधीनता की परम स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। यही नहीं, कौशितकी ब्राह्मण में बताया गया है कि जो वेद में पारंगत हो जाते थे स्त्रियां, उनको पश्य स्वास्थ्य वाक्य उपाधि से सम्मानित भी किया जाता था। वैदिक यज्ञों में नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की सहभागिता, इक्वल रोल्स के लिए भी बात की गई है, क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी यजमान होगा उसके साथ में उसकी पत्नी जरूर हो। इससे तथ्य निकल के आता है कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए स्त्री को समान अधिकार अथवा महत्व देने का विधान किया गया, और इसका अर्थ ये भी है कि यज्ञ के स्थान पर वैदिक वांग्मय में यज्ञ का भी शब्द आया है। यज्ञ यानी कि जिसके द्वारा विजय प्राप्त होती है, जय या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्त्री की सहभागिता को केंद्रित किया गया। और आज के भौतिक जीवन में भी यदि लक्ष्य की सिद्धि करनी है तो स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का सहयोग करना ही चाहिए, ये उनका अर्थ था। जय चाहिए तो सहयोग अनिवार्य है। फिर आया कि वैदिक यज्ञ और मातृसत्तात्मक समाज की चिन्ह वहां पे प्राप्त हुए, वुमेन एम्पावरमेंट के चिन्ह वहां प्राप्त हुए, जैसे कि सीता यज्ञ और रुद्र यज्ञ, दो ऐसे यज्ञ थे जिनका अनुष्ठान केवल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता था। उसमें वो पुरोहित भी स्वयं होते थे, कर्मकांड भी स्वयं करते थे। इससे स्पष्ट है कि विशिष्ट अवस्थाओं में स्त्री को मुख्य भूमिका प्रदान की गई थी। आज के युग में अगर देखें तो मातृसत्तात्मक समाज भारत में उत्तर पूर्व खासी जनजाति में थोड़ा मिलता है। आज की नारी इस पद पर आने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, जैसे कि मैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, तो उसमें हम देखेंगे कि फीमेल्स ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं काउंसलिंग के फील्ड में। इसी तरह से कुछ एरियाज को चुना जा सकता है जो कि फीमेल की नेचर और उसकी टेंडेंसी और उसकी इंक्लिनेशन से मैच करते हों, ताकि उन्हें वही वाले काम ज़्यादा दिए जाएँ और जिससे कि समाज में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सके। आप यहाँ भी देखेंगे साइकेट्रिस्ट मेल दिखेगा आपको और फीमेल काउंसलर्स। देन इसके बाद स्त्रियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार था। उपनिषदों में जो मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, सुवर्चला, सावित्री आदि का वर्णन है, इसमें मैत्रेयी ने घर बार और अटूट संपदा त्याग कर यज्ञवल्क्य के साथ जाने का निर्णय लिया। गार्गी ने यज्ञवल्क्य के साथ संवाद किया और शास्त्रार्थ करते हुए मानव कल्याण के लिए प्रश्न किए, किंतु उनसे शादी नहीं की। संवाद के अंत में जब उन्हें प्रश्नों का उचित उत्तर मिला तो उन्होंने स्वीकार किया कि यज्ञवल्क्य एक महान ऋषि हैं, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन अंतरिक्ष और काल से संबंधित प्रश्नों में व्यतीत किया, अनुसंधान में व्यतीत किया। कात्यायनी ने अपने पति का त्याग कर दिया तथापि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत किया, और सुवर्चला को स्वयंवर का अधिकार दिया गया। अश्विपति जैसे राजा ने अपनी पुत्री सावित्री के लिए यात्रा की व्यवस्था की, जिससे कि वह अपने लिए सुयोग्य वर का चयन कर सके। इस प्रकार फ्रीडम टू चूज द लाइफ पार्टनर वॉज देयर, और उसको आज की डेट में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर एक ट्रस्टवर्दी एनवायरमेंट बनाया जाए बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स एंड अमंग द सोसाइटी एंड द फैमिली। देन यौनिकता को स्पष्ट, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल अर्जीज इवन। वेदों में इस प्रकार का उल्लेख है कि लोपमुद्रा ने अगस्त्य ऋषि, क्योंकि वो बिजी रहते थे काफी, तो अपनी बात अपनी यौनिकता की सहज अभिव्यक्ति की। ऋग्वेद के पहले मंडल के 179वें सूक्त में अगस्त्य और लोपमुद्रा संवाद है। इसी प्रकार अपनी एक्सप्रेशन को वो बता सकती थी जो कि आज भी नहीं बता पाती है, उसको ये एक्सप्रेशन अपने सेक्सुअल अर्जीज बताने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो जूझती है।
क्योंकि उसकी भी सेक्सुअल अर्जीज हैं और उसे सप्रेस करना पड़ता है जब तक मेल खुद से ऑफर ना करे, और ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, रिग्रेशन और डिप्रेशन में भी जो पेशेंट है वो चला जाता है। इसलिए वो एक्सप्रेशन ज़रूरी था और उसको अभी भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी नॉर्म्स ऑल्सो। ये अभी जो रोमशा ऋषि का रोमशा का जो वर्णन किया और मैडम ने इसी मंत्र का जिक्र किया, मैं इसमें थोड़ा सा ये डालना चाहती हूँ कि इसमें ये था कि उनके शायद फिजिकल फीचर्स भी उतने डेवलप नहीं थे। रोमशा का मतलब है कि पुबर्टी में जो हेयर आ जाते हैं और वो सब जो एक्सप्रेशन फिजिकली दिखाई देता है कि फीमेल पुबर्टी में आ गई है, वो शायद उसके लक्षण उतने ज़्यादा प्रकट नहीं थे। अब वो प्रकट नहीं थे तो वो एक चीज़ थी कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको बालिका समझता है और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, बट वो एक्सप्रेस करती है कि अगर मैं फिजिकली आपको दिख नहीं रही हूँ बट मेंटली आई एम दैट स्ट्रांग दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट। तो आज की फीमेल को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है अगर उसकी हाइट कम है, अगर वो स्लिम दिखती है, अगर वो पुबर्टी के साइन उसमें नहीं दिख रहे हैं तो उसको परेशान और हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली स्ट्रांग होकर भी वो अपना काम अच्छे से कर सकती है। स्त्री सुरक्षा की भी कल्पना की गई क्योंकि यजुर्वेद के मंत्र में 17:45 में कहा कि स्त्रियों की सेना होनी चाहिए, स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब डिफेंस में उनका स्थान था पहले भी, और अभी हम लेके आते हैं तो बोलते हैं कि हमने आज उसको नेवी में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन वो पहले से ही करते थे। पूरा आत्मरक्षा भी सिखाई जानी चाहिए, ऐसा वर्णन आया है। योनि शोधन का भी वर्णन आया है जिसमें अथर्ववेद के सूक्त 23 में योनि देवता पर लिखा गया है, योनि वहेद बहुवित एक्सेट्रा में, कि जिस पाप के कारण तू बांझ हुई है उसे दूर देश में भगा देते हैं। ये मंत्र बताता है कि योनि शोधन या डिसइंफेक्टेंट करना जो वजाइना है उसके लिए वहाँ पर वर्णन हमें प्राप्त होता है। अभी भी आजकल भी इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं और STD में भी डिसइंफेक्टेंट्स का रोल है। आधुनिक जो IVF टेक्निक है उसके भी बीज अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद के सूक्त 23 में मंत्र आया है कि आते योनि गर्भम हेतु कुमान आदि से, जिसमें उन्होंने कहा कि पुरुष के वीर्य से युक्त गर्भ तेरे जननांग में पहुंचे। इसका मतलब है कि शुक्र और शोणित बाहर से संयोग करवा के फिर डाला गया है, जिसका मतलब है कि IVF की टेक्निक वहाँ पे ऑलरेडी थी। और इस तरह बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जो अब तक हम खोज नहीं पाए हैं। कन्या का सम्मान करने के लिए भी कहा है, ऋग्वेद में 6 मंडल में 75वें सूक्त में ऋषुधि की प्रशंसा की कि अनेक पुत्रियों के पिता कहकर की गई और अर्थात कन्या को सम्मान दिया गया है। आज भी हम कहते हैं कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए लास्ट खत्म करके जाऊंगी कि यहाँ पर उन्होंने सजग भी किया है, स्त्री को सजग रहने की आवश्यकता है, नीड ऑफ अलर्टनेस। उन्होंने कहा उत्तदुस्तोत तुदतो माँ धृता शयने स्वे, यानी कि ये नारी उत्तुद नाम के देव अत्यधिक व्यथित करने वाले हैं, वे तुझे कामार्थ करें, मदन विकारों से व्यथित होकर तुम पलंग पर सोना पसंद मत करो। अर्थात उसको अट्रैक्ट किया जाता है, और आजकल जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और उसके बाद वो एडोलेसेंस में प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद जो सोशल और सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। इसलिए पहले भी उन्हें अलर्ट किया जाता था कि आप ये सब ना करें, और कर्तव्य पालन की भी उनको शिक्षा दी जाती थी, और प्रकृति तत्वों का मानवीकरण और स्त्री रूप में उनका सम्मान होता था विद्या की देवी सरस्वती के रूप में, और आसुरी माया स्वरूप औषधि की पूजा, भूमि को माता स्वरूप मानकर पूजा, और किसी भी बाधा के आने पर स्त्री पुरुष का पारस्परिक संबंध अच्छा होना चाहिए, गोपद ब्राह्मण के अनुसार एकाकार होकर विकार का सामना करना चाहिए। और बस निवेदन इतना ही है कि ये मेरे पर्सनल उद्गार हैं, मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद।